हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पाथ टू सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज। इससे पहले कि स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लें। और हाँ, आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस को जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़? तो आपको इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के। तो इसका आंसर है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फैमिली चेंजेस फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट टू कंजम्पशन यूनिट। आपको पता होगा कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में फैमिली जो होती है प्रोडक्शन यूनिट होती है और वही कंजम्पशन यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फैमिली प्रोडक्शन यूनिट नहीं रहती है, सिर्फ कंजम्पशन यूनिट बनकर रह जाती है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोसाइटी मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा है, दर्खाइम ने भी कहा है और बहुत सारे थिंकर्स ने इसे डिस्कस किया है कि सोसाइटी मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंडरी रिलेशंस बिगिन टू डोमिनेट, यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी रिलेशनशिप्स डोमिनेट करते हैं। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या कौन से रिलेशनशिप डोमिनेट करते थे? प्री इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में प्राइमरी रिलेशनशिप जो थे वो डोमिनेट करते थे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ओवेन लिंच इन ऑर्डर टू शो द रूरल अर्बन कंटिन्यूम स्टडीड विच कम्युनिटी। तो आपको बताना है ओवेन लिंच ने किस कम्युनिटी की स्टडी की थी रूरल अर्बन कंटिन्यूम को शो करने के लिए। तो इसका आंसर है जाटव ऑफ आगरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो आपको बताना है कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डेनियल बेल। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी रिलेटेड टू अर्बन ग्रोथ वॉज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी किसने दी थी। तो इसका आंसर है अर्नेस्ट बर्जेस। अर्नेस्ट बर्जेस जो है उन्होंने क्वाइन की थी कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, और इस थ्योरी के सपोर्टर हैं रॉबर्ट ई पार्क एंड आर डी मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी एंड फोक अर्बन कॉन्टिनम। आपको बताना है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट फोक सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी और फोक अर्बन कॉन्टिनम किसने दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये तीनों ही कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु अट्रीब्यूट्स द इमर्जेंस ऑफ हाउसवाइफ एज द मोस्ट डोमिनेंट मेचर फेमिनाइन रोल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका आंसर है अन्ना ओकले। क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रल प्लेस थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द नंबर साइज एंड लोकेशन ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट इन द अर्बन सोसाइटी वॉज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वॉल्टर क्रिस्टॉलर। क्वेश्चन नंबर 8, द सेक्टर थ्योरी which explains that the growth of cities take place in sectors was given by। आपको बताना है कि सेक्टर थ्योरी किसने दी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है होमर हेयार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी सजेस्ट दैट सिटी इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ न्यूक्लियाई वॉज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी किसने दी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हैरिस एंड उलमान। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड दैट सिटीज हैव बीन द मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस। तो आपको बताना है किसने कहा था कि सिटीज जो हैं वो मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस हैं। तो इसका आंसर है लुइस वर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज एक्सप्लेन्ड द टर्म जेनरेटिव एंड पैरासिटिक सिटीज। आपको बताना है कि जेनरेटिव सिटीज एंड पैरासिटिक सिटीज का टर्म किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी एफ हॉसलिस ने जेनरेटिव सिटीज और पैरासिटिक सिटीज टर्म जो है वो एक्सप्लेन किए थे। क्वेश्चन नंबर 12,
द स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द अर्बन सेंटर्स आर नोन एज. तो इसका आंसर है अर्बन स्प्रॉल. क्वेश्चन नंबर 13. लुईस वर्थ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अर्बनिज्म इन हिज वर्क. आपको बताना है कि द थ्योरी ऑफ अर्बनिज्म लुईस वर्थ ने अपने किस वर्क में प्रोपाउंड किया था. तो इसका आंसर है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ. तो याद रखेंगे अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ जो है वो लुईस वर्थ की बुक है और उसमें उसने अर्बनिज्म कॉन्सेप्ट दिया था. क्वेश्चन नंबर 14. एन अर्बन एरिया फॉर्म्ड बाय द एग्लोमरेशन और फ्यूजन ऑफ सिटीज लार्ज टाउन्स थ्रू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग इज नोन एज. तो आपको बताना है कि ऐसे अर्बन एरिया को जो कि बहुत सारी सिटीज और लार्ज टाउन से मिलकर बनता है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग उसे हम क्या कहते हैं. तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं कॉनर्बेशन. और आप याद रखिएगा कि कॉनर्बेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था. तो पैट्रिक गेट्स ने दिया था कॉनर्बेशन का कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज द ऑथर ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी. तो आपको बताना है कल्चर ऑफ पॉवर्टी बुक के लेखक कौन है. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑस्कर लिवाइज. ऑस्कर लिवाइज जो है वो कल्चर ऑफ पॉवर्टी बुक के लेखक हैं. क्वेश्चन नंबर 16. लुई मॉम्फोर्ड आइडेंटिफाइड 6 स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन हिज बुक. मतलब लुईस मॉम्फोर्ड ने 6 स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन दिया है. उसने ये स्टेजेस किस बुक में दिया है. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द सिटी इन हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 17 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द राइज ऑफ द सिटी गिवन बाय मॉम्फोर्ड आर. आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो स्टेजेस मॉम्फोर्ड ने अर्बन एरिया के लिए बताए थे. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सबसे पहला स्टेज होता है इओपोलिस, सेकेंड स्टेज होता है पॉलिस, थर्ड स्टेज होता है मेट्रोपोलिस, फोर्थ स्टेज होता है मेगालोपोलिस एंड फिफ्थ स्टेज होता है नेक्रोपोलिस. क्वेश्चन नंबर 18. इट इज अ स्लम इनहैबिटेड बाय एन एथनिक ग्रुप विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिटी लाइफ. ध्यान से सुनिए कि एक ऐसा स्लम जो इनहैबिटेड बाय क्या है एन एथनिक ग्रुप है और वो आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द सिटी से उसे हम क्या कहते हैं. ऐसे स्लम को हम क्या कहते हैं. तो फ्रेंड्स ऐसे स्लम को हम घेटो कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. टू विच स्टेज मॉम्फोर्ड टर्म एज द सिटी ऑफ डेथ. तो सिटी ऑफ डेथ मॉम्फोर्ड ने किस स्टेज को कहा है. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नेक्रोपोलिस. क्वेश्चन नंबर 20. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी आर. तो आपको बताना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं अर्बन कम्युनिटीज के. तो फ्रेंड्स सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनोनिमिटी, सेकेंड है हेट्रोजिनिटी एंड थर्ड है लार्ज साइज एंड डेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 21. हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और कई एग्जाम्स में पूछता है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डेनियल बेल. क्वेश्चन नंबर 22. हु सेड दैट इंडस्ट्रीज आर द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया. तो आपको बताना है कि किसका कथन है ये कि इंडस्ट्रीज आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो इसका आंसर है जे एल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 23. द कॉन्सेप्ट कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन वॉज गिवन बाय. तो आपको बताना है कि कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है थॉस्टेन वेबलिन. थॉस्टेन वेबलिन ने कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का सिद्धांत दिया था. क्वेश्चन नंबर 24. द टर्म अप्लाइड टू काइंड ऑफ अर्बन ग्रोथ वेयर देयर इज अर्बन रिवाइवल ऑफ स्टाइलिश नेबरहुड इज. आपको बताना है कि ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं जहां पर अर्बन रिवाइवल होता है किसके साथ, स्टाइलिश नेबरहुड से. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है
जेंट्रीफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस या वन वर्ड क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से संबंधित। तो मैंने आपको अपना फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लें। और अपनी सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड गिव योर वैल्यूबल सजेशंस। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड फॉलो द पाथ टू सक्सेस। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।